नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिकों का क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी गोइंग टू टेक यूजर क्वेश्चन। क्वेश्चन को लेने से पहले जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं, प्लीज कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहिए अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी और अपने कंट्री के लिए। के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सेम प्रॉब्लम से अगर कोई परेशान है तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए और अपनी डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रेंथ हो सके। चलते हैं सर के पास, शेष कुमार सिंह जी और मैं सिद्धार्थ सिंह। सर आज हम लोग लेने वाले हैं यूजर के क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है ये अनिल कुमार जी का है। इन्होंने पूछा है, सर यूपीपीसीएस जे में ओबीसी कैटेगरी में बच्चों को कितना अटेंड मिलता है और एज लिमिट कितनी होती है? ये 35 साल या फिर 38 साल? प्लीज रिप्लाई। ये डिटेल में जानना चाह रहे हैं कि ये पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं या फिर बच्चों को तैयार करते होंगे, तो ये जानना चाह रहे हैं कि कितना अटेंड मिलता है, एज लिमिट कितनी है। देखिए, पीसीएस जे में जी जो सवर्ण कैटेगरी में लोग हैं जी, ठीक जी, उनको तो 22 से 35 वर्ष तक वो मतलब जनरल कैटेगरी जी वो एग्जाम में भाग ले सकते हैं। 21 से लेकर 35 तक, 22 से 35 तक जी, 35। अब जो पिछड़े हैं जिनको माना जाता है ना, उनको उसकी कैटेगरी है, गवर्नमेंट ने उसके लिए कैटेगरी बना रखी कि इतनी इतनी जो कास्ट है ओबीसी, वो ओबीसी में आएंगे, है ना। जो आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं या शैक्षिक रूप से जिनको पिछड़ा माना जाता है जी, ठीक है, तो उन लिस्ट वाले लोगों को 3 साल का एज दिया गया है, वो भी 22 से 35 तो है ही है, उतने समय तक तो एग्जाम में भाग ले भी सकते हैं। उसके साथ उनको 3 साल का एज दिया जाता है, रिलैक्सेशन दिया है ना, वो 3 साल और मीन्स 35 है तो 38 हो गए जी, ठीक है जी, तो वहां तक वो एग्जाम दे सकते हैं। और SC ST वालों को 5 कर दिए जी, ठीक है, तो 40 वर्ष तक अपना एग्जाम दे सकते हैं जी। और ठीक है, और सर टोटल अटेम्प्ट पूछा इन्होंने, टोटल अटेम्प्ट अब इसी हिसाब से हो गया, 22 से जोड़ लीजिए जी। जनरल के लिए शायद 4, जनरल के लिए कम है, 4 है और इनको ओबीसी है इनको बढ़ा दिया गया है, 7 है जी। और जो आपकी SC ST है नो लिमिट है, हाँ, तो नो लिमिट है, पहले कम था, नो लिमिट सबको कर दिए जी और इनका बढ़ा दिए। सर ये ओबीसी जो आपका यूपी पीसीएस जे होता है, इसमें सर क्या बनता है आदमी एक्चुअल में, क्या जब मजिस्ट्रेट पीसीएस जे जो है, जितने जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिविल सर्विसेज हैं जी, वो यही होते हैं, है ना जी। पीसीएस जे ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं जी, है ना, जुडिशियल न्यायिक क्षेत्र अधिकार प्राप्त है, मतलब ये प्रशासनिक काम नहीं देखते हैं। ये मजिस्ट्रेट 2 तरह के हैं, एक तो पीसीएस जे वाले हैं, तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, ये न्यायिक कार्य में सीधे, अब ये मुंसफ होते हैं, फिर अगर जब इनको इम्प्रूव कर जाते हैं तो ये CGM हो जाते हैं, है ना जी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो गए। अब उसके बाद फिर ये मतलब सिविल जज सीनियर डिवीजन हो जाते हैं, ये CGM, ये सब एक ही रैंक के हैं, ठीक है, अब उसके बाद ये प्रमोट करके जज हो जाते हैं, तो इस डिस्ट्रिक्ट जज तक होते हैं, फिर हाई कोर्ट तक चले जाते हैं, बहुत सारे जो मेहनत करते हैं, ऑनेस्टली काम करते हैं, है ना जी। तो ये पीसीएस जे वाली कैटेगरी जो है, तो क्या ये सर क्या है वो, मतलब स्टेट वाइज नहीं होता है ये, मतलब नहीं स्टेट वाइज भी होता, तो फिर है, स्टेट वाइज होता है। अच्छा अच्छा, ये जो अच्छा सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, हाई कोर्ट तक नहीं, हाई कोर्ट तक, अच्छा हाई कोर्ट तक जाते हैं, बहुत कम लोग जा पाते हैं। अच्छा, हाँ, पीसीएस जे वाले बहुत कम हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं। अच्छा, रियरेस्ट हुए। अच्छा जी, और इसमें सर, और एक एक जो ये प्रशासनिक मजिस्ट्रेट होते हैं इनकी अलग होती है, पीसीएस अलग है, पीसीएस जे अलग है जी, जे मीन्स जुडिशियल हो गया, और ये एग्जीक्यूटिव के होते हैं, तो इनका अधिकार दोनों है, जुडिशियल पावर देखते हैं और प्रशासनिक अधिकार भी देखते हैं। अच्छा सर, ये जो आपका है जैसे, इसमें क्या LLB करने के बाद डायरेक्ट इसको नहीं, इसमें LLB होना जरूरी है, पीसीएस जे में जी कंपलसरी है, LLB करने के बाद ही आप इस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बैचलर ऑफ लॉ होना जरूरी है जी, इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है कि आप LLB कम से कम किए जी, 5 ईयर का, हाँ, पहले तो एक्सपीरियंस देखते थे, मतलब प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अच्छा, अब शायद वो हटा दिया गया है। अच्छा, LLB केवल सफिशियंट है जी, हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे जब पीसीएस जे में बैठे थे जी, कोई ऐसा नहीं जो ना बैठता जी, फिर बहुत तेरे जैसे वकालत का थोड़ा बहुत जो जो
मतलब वकालत पैसे में थोड़ा सर्वाइवल जैसे मिलने लगता है जी, वैसे लोग पढ़ाई लिखाई डाउन हो जाती है। हाँ ये तो है सर, ये हर ऑक्यूपेशन का हाँ, ये है। अब जो जिन लोगों को निराशा होती है वो भाग के मेहनत करके किसी तरह जुडिशियल पीसीएस जे हो जाते हैं जी, तो जो सबसे क्रीम तबका होता है वही वकील होता है मेरे समझ से तो जी, है ना जी। और जब जो जो यहाँ से अनसक्सेस होते हैं वो पीसीएस जे हो जाते हैं जी। ठीक है सर, थैंक फॉर योर टाइम। तो व्यूअर्स आपने देखा किस तरीके से सर ने ये क्वेश्चन को लिया और एक्सप्लेन किया। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सेम प्रॉब्लम से अगर कोई परेशानी तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए और कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहिए अपनी कंट्री, अपनी सोसाइटी और अपने कंट्री के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग।